बीएसएससी इंटर लेवल रिजल्ट बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी समय से ये जो रिजल्ट है अटका हुआ था, कहीं उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि ये रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई जिन लोगों ने, जो जिन कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था, उनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी जो है ये रिजल्ट आउट होगा। और उनकी जो आंखें हैं वो हमेशा लगातार यूट्यूब की वीडियोस में भी यही सर्चिंग करती रहती थी कि क्या पता मे भी आज रिजल्ट निकल गया हो। और इस वीडियो में भी आप यही देख रहे हैं कि क्या पता रिजल्ट निकल गया हो। तो इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो क्या गुड न्यूज है। बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है आपके लिए, क्योंकि अब आपका जो है आपको रिजल्ट की अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, पहले मैं आपको इसका हिंदी का बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अगले सप्ताह आएगा आपका रिजल्ट। ये परसों का है, तो परसों से आप कैलकुलेशन करनी शुरू कर दीजिए कि परसों से अगले सप्ताह कितने दिन होते हैं। इसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ छात्रों ने छात्र जनाधिकार परिषद के नेतृत्व में आयोग के गेट पर जल्द परीक्षा परिणाम निकालने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। आप में से वो कुछ लोग रहे होंगे तो आपको तो पता ही होगा। इसमें परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या 13,000 है, ठीक है। जो वैकेंट सीट्स हैं उनकी संख्या है 13,000, और जो पिछले 8-10 वर्षों में आई सबसे बड़ी रिक्ति है, यानी 8 से 10 सालों में सबसे बड़ी वैकेंट सीट है, खाली सीट्स हैं। इतनी सीट्स खाली कभी नहीं आई इससे पहले 10 साल, 10-12 साल के अंदर। और सचिव ने बताया है कि 10 से 15 जनवरी के बीच पीटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में लिया जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कहा सचिव ने बताया है, ये इंफॉर्मेशन सचिव ने बताई है कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो 100% जारी होने वाला है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है उसके बाद जो है आपका मेन एग्जामिनेशन, जो मुख्य परीक्षा है, वो आपकी ली जाएगी। और मुख्य परीक्षा के जब फॉर्म निकाले जाएंगे, यानी जनवरी के लास्ट में निकाले जाएंगे, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी के फर्स्ट वीक में निकाले जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म निकलेगा वैसे मैं आपको अपडेट करूंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है और आगे चीज लिखी हुई है, अप्रैल में मुख्य परीक्षा के आयोजित लेने की संभावना है। यानी जो मेन परीक्षा होगी आपकी, इसके बाद वो आपका मेन एग्जामिनेशन कब होगा, अप्रैल 2020 में, ठीक है। पीटी की तरह ही मुख्य परीक्षा भी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर शैली में होगा। जैसे आपने पीटी का एग्जामिनेशन दिया था उसी से मिलता जुलता जो है आपका ये मेन परीक्षा भी आपकी ली जाएगी, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर शैली में होगा, ठीक है। और ओएमआर सीट पर ही आपको इसमें लिया जाएगा, आपको गोले भरने होंगे, जो भी इसका आंसर सही होगा उसमें आपको जो है उसको फिल करना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी खुशखबरी, ठीक है। अब जो है आपको पूरा माजरा समझ में आ गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, 10 से 15 तारीख के बीच में। और इसीलिए मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि उम्मीद मत छोड़िए, कभी भी सडनली कभी एनी टाइम कभी भी न्यूज़ आ सकती है। आई होप, मैं भी विश करती हूँ कि आपका रिजल्ट जो है ना 10 10 12 तारीख को आ ही जाए, 15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसकी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इसी खुशी में प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो इतने सालों से अटका हुआ है, इतने टाइम से अटका हुआ है, वो आपके पास टाइम पे अपडेट पहुंच जाए डिले ना करते हुए, ठीक है ना। और उसके बाद जब फॉर्म निकलेंगे आपके मेन परीक्षा के लिए, तो वो भी मैं आपको टाइम पे जैसे निकलेंगे तुरंत उसी के आधे घंटे पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आपको ये दो काम जरूर करना है, अपनी सिस्टर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ ही कहना चाहूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।